स्टार प्लस का सबसे बड़ा शो गुम है किसी के प्यार में। शो में सैराट की एंडिंग ट्रैक पर नील भट्ट ने तोड़ी चुप्पी, आयशा सिंह को लेकर कही ये बड़ी बात। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या विराट बचा पाएगा सई को इस मुसीबत से। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। गुम है किसी के प्यार में शो लगातार ट्रेंडिंग में बना हुआ है और इस शो ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको बता दें फिलहाल के लिए जनरेशन लीप के पहले सई और विराट एक बार फिर एक होने जा रहे हैं, लेकिन एक होने से पहले ही आतंकवादियों ने कर दिया है हमला, जिसके बाद कई विराट चौहान जो कि एक पुलिस, क्या विराट अपनी लाइफ पार्टनर सई को बचा पाएगा, इसको लेकर नील भट्ट ने साफ खुलासा किया है कि ये तो एक हमारा एंडिंग ट्रैक है, क्लाइमैक्स है जो कि सैराट को लेकर है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सई और विराट को जितना आप लोगों ने प्यार दिया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। आयशा सिंह एक मेरी बेस्ट को एक्ट्रेस ही नहीं है, वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है। आयशा सिंह के परफॉर्मेंस से मैं भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। आयशा को मैं बहुत मिस करूँगा। ये हमारा आखिरी ट्रैक होने वाला है, क्लाइमैक्स के बाद ज़रूर हम बिछड़ जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आयशा सिंह के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और एक बेस्ट को एक्टर मुझे मिली जिसने इतने अच्छे से साथ दिया है मेरा। और साथ ही साथ आयशा सिंह का भी ये साफ कहना था कि नील भट्ट सर के साथ काम करके उनको भी एक बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये पहला मौका था जब आयशा सिंह और नील भट्ट एक शो में एक साथ आए थे। आयशा सिंह का ये पहला शो है, दूसरी तरफ नील भट्ट एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, कई सारे शोज़ किए हैं इसके पहले भी नील भट्ट ने, और नील भट्ट काफ़ी टैलेंटेड। ये क्लाइमैक्स सीन को देखने के बाद सैराट के फैंस का जहां पर दिल टूट गया है, तो नील भट्ट ने साफ किया है कि इन द नियर फ्यूचर अगर उनको मौका मिलता है तो वो आयशा सिंह के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन क्लाइमैक्स सीन पे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।